बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस की सीरीज़ में लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का ये आखिरी लेक्चर है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीजन एवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, कॉक्स साइकिल और ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। ये सारे नाम जो हैं वो इस प्रोसेस के हैं, इसको जिसमें वाटर जो है वो ऑक्सीडाइज होता है। और हम देखेंगे इसमें कि वाटर जो है वो किस तरह ऑक्सीडाइज होता है और इसकी स्प्लिटिंग कैसे होती है, और ये सारा प्रोसेस जो है ये फोटोसिस्टम सेकंड के साथ अटैच होता है, जिसे हम P680 कहते हैं। तो देखते हैं कि ये कैसे सारा प्रोसेस जो है ये कंप्लीट होता है। फर्टिलाइजेशन ऑफ वाटर जो है, इस सिलसिले में अगर आप देखें तो वाटर इज अ वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल। ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इज वेरी डिफिकल्ट, एंड द फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स is the only known biochemical system that carries out this reaction. तो जैसा कि अभी हमें पता है कि ये जो oxygen evolving complex है photosynthesis का, जो कि P680 के साथ attach होता है, ये वो वाहद process है जिसमें photolysis of water होती है, क्योंकि water का molecule बहुत ही stable है। यहाँ वो process है जो इसको ब्रेक करने में हेल्प करता है। तो देखिए, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विद द फोटोसिस्टम सेकंड, जिसको हम 680 कहते हैं, जिसमें रिएक्शन सेंटर जो है वो 680 क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है, जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जिसकी जो है वो 680 है, लोकेटेड ऑन द ल्यूमन साइड ऑफ द थैलाकोइड मेम्ब्रेन। और ये भी ज़हन में रखना है कि ये जो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है, ये थैलाकोइड मेम्ब्रेन में जो कि फोटोसिस्टम सेकंड है उसके साथ अटैच है। लेकिन कौन सी साइड के साथ अटैच है? ये ल्यूमन वाली साइड के साथ अटैच है। अभी हम स्कीम में देखेंगे इसे। दिस ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स इज मेनली कंसिस्ट ऑफ D1 एंड CP43 सब यूनिट्स एंड स्टेबलाइज्ड बाई द पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। तो ये जो है ये फोटोसिस्टम सेकंड के साथ जो अटैच है, उसमें जो मेन इसका कंपोनेंट है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स का, वो D1 और CP43 है, और कुछ इसके साथ पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं जो इसको स्टेबलाइज करती हैं। अच्छा, अब हमें पता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है, दिस कम्युनिकेट्स टू द टायरोसिन रेजिड्यू ऑफ द D1 प्रोटीन। ये जो D1 प्रोटीन है, इसके साथ इसका जो ये जो टायरोसिन है, इसके थ्रू ये कम्युनिकेट करता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स P680 के साथ। अभी हम देखेंगे जी स्कीम में कि ये जो 680 है, इसको इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये टायरोसिन से मिलते हैं। तो मतलब ये जो टायरोसिन है, ये ब्रिज का काम करता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स और 680 के दरमियान। अच्छा, तो इस फर्टिलाइजेशन ऑफ वाटर में सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो इस D1 के अंदर एक कॉम्प्लेक्स है, आप समझिए कि कैटलाइज्ड कॉम्प्लेक्स है। इसके कोर के अंदर, द कोर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज कैटलाइज्ड बाय द मैग्नीशियम कैल्शियम ऑक्सीजन क्लस्टर। ये मैगनीज कैल्शियम ऑक्सीजन कॉम्प्लेक्स है। ये मैगनीज के चार हैं यहाँ पे आयंस, और एक जो है वो यहाँ पे कैल्शियम है, और पांच इसके साथ अटैच है ऑक्सीजन है। ये पूरा एक क्लस्टर होता है, और ये क्लस्टर जो है अभी हम बताएंगे किस तरह फंक्शन परफॉर्म करता है। और होता क्या है, दो मॉलिक्यूल जो हैं वाटर के आते हैं, और एक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है, फोर प्रोटॉन्स बनते हैं और चार इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं दो वाटर के मॉलिक्यूल से।
तो ये ओवरऑल रिएक्शन है, ये ओवरऑल फर्टाइलिसिस ऑफ वाटर है। और ये फर्टाइलिसिस ऑफ वाटर जो है वो होगी कैसे, तो इसमें जो मेन रोल है वो इस कॉम्प्लेक्स का है, इस क्लस्टर का है, मैगनीज कैल्शियम ऑक्सीजन जो कॉम्प्लेक्स है इसका मेन रोल है। अभी हम बात करते हैं कि ये कैसे ये सारा रोल जो है वो प्ले होता है। अगले देखते हैं, तो ये देखिए ये वही जी स्कीम है जिसका जिक्र पहले भी हम कर चुके हैं कि ये है फोटोसिस्टम सेकंड है। और फोटोसिस्टम सेकंड पे हमें पता है कि जब एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है इलेक्ट्रॉन जो एक्साइटेड होते हैं। ये देखिए ये 680 जो एक्साइटेड स्टेट में चला गया और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हो गया। इस इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को फिर पूरा करने के लिए ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, ये इलेक्ट्रॉन जो अभी हमने देखा मैगनीज कैल्शियम कॉम्प्लेक्स जो है ये प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा टायरोसिन को, और टायरोसिन जो है वो इलेक्ट्रॉन फिर आगे 680 को प्रोवाइड करेगी। और इस तरह ये जो कॉम्प्लेक्स है ये इलेक्ट्रॉन जो है ये लेगा वाटर की ब्रेकडाउन से, तो मतलब वाटर की ब्रेकडाउन होगी तो ये वाले जो हैं कॉम्प्लेक्स इनको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन जो ये जो कॉम्प्लेक्स है इससे इलेक्ट्रॉन टायरोसिन को मिलेंगे, और टायरोसिन जो है वो आगे डिलीवर करेगी 680 को। यहाँ पे वन बाय वन इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे ट्रेवल करते हैं इस कॉम्प्लेक्स से टायरोसिन से, और टायरोसिन से 680। जो ही 680 पे लाइट पड़ती है इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, तो ये जो डेफिशिएंसी है यहाँ पे 680 के क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल में जो डेफिशिएंसी है उसको टायरोसिन जो है वो पूरा करती है, और टायरोसिन जो है उसको प्रोवाइड किए जाते हैं इलेक्ट्रॉन मैगनीज से। अच्छा, तो होता ये है एक्चुअली कि जब ये जो कॉम्प्लेक्स है ये एक एक करके टायरोसिन के थ्रू इलेक्ट्रॉन जो है वो 680 को देता रहता है, और जब चार इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस कॉम्प्लेक्स से निकल जाते हैं तो फिर दो वाटर मॉलिक्यूल जो हैं उनकी ब्रेक डाउन होती है, जिसके नतीजे में एक मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीजन बनती है और चार प्रोटॉन जो हैं वो ल्यूमन में आ जाते हैं। तो ये जो ऑर्डर है इसका, ये देखिए ये ऑर्डर है कि क्लोरोफिल का ए का मॉलिक्यूल 680 जो है यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में गया उसका इलेक्ट्रॉन, तो इसको इलेक्ट्रॉन टायरोसिन ने दिए, टायरोसिन से यहाँ पे चार मैगनीज के आयंस होंगे जो एक एक करके इलेक्ट्रॉन जो है वो टायरोसिन को देंगे, और टायरोसिन से आगे फिर ये क्लोरोफिल ए के 680 को मिलेंगे, और जब वाटर स्प्लिट होगा तो ये चार इलेक्ट्रॉन जो हैं ये मैगनीज से जो लिए हुए हैं उनको दे दिए जाएंगे। तो इस तरह ये साइकिल जो है कंप्लीट होगा। ये एक खासा कॉम्प्लिकेटेड साइकिल है, और आगे आपको पता है कि ये 680 से इलेक्ट्रॉन जो है वो फियोफाइटिन को जाते हैं, और फियोफाइटिन से ये सारा जो है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है, और ये फिर नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन का पाथवे है, और इस तरह ये नॉन साइक्लिक पाथवे में ये इलेक्ट्रॉन जो है ये अल्टीमेटली जाके ये NADPH के साथ रिड्यूस हो जाते हैं। और इनकी जो डेफिशिएंसी होती है, ये देखिए लाइट पड़ रही है, जब इलेक्ट्रॉन एक्सपेल करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट होगा। इस डेफिशिएंसी को टायरोसिन जो कि D1 प्रोटीन जो कि एसोसिएटेड है इस कॉम्प्लेक्स के साथ, वहाँ से इलेक्ट्रॉन टायरोसिन से होते हुए 680 को मिलेंगे, और मैगनीज जो है ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करेगा, और जिसके नतीजे में फिर ये हाईली ऑक्सीडेंट बनेगा, और इस ऑक्सीडेंट की वजह से वाटर की ब्रेकडाउन होगी और फिर फोर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस कॉम्प्लेक्स को मिल जाएंगे। अगली स्लाइड में इसको क्लियर अंदाज से देखते हैं। ये देखिए ये जो एक हमारे पास साइकिल है इसे कॉक साइकिल कहते हैं, क्योंकि कॉक एक साइंटिस्ट हैं। ये सारी जो इन्फॉर्मेशंस है ऑल दीज आर बेस्ड ऑन वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी प्रपोज बाई द बेसल कॉक इन 1970 कॉल्ड कॉक साइकिल। इसमें क्या होता है, ये वो क्लस्टर है, कैटालिस्ट क्लस्टर्स है, मैगनीज कैल्शियम ऑक्सीजन क्लस्टर, कैटालिसिस ये जो कैटालिस्ट के तौर पे एक्ट करता है, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है लोकेटेड इनसाइड द फोटोसिस्टम सेकेंड मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स।
undergo five consecutive redox state known as S state or storage state. कि ये जो क्लस्टर है मैगनीज कैल्शियम ऑक्सीजन कॉम्प्लेक्स है, ये अपनी जो रिडॉक्स स्टेट्स हैं इनको चेंज करता है, जिसको एस स्टेट कहते हैं या स्टोरेज स्टेट कहते हैं। और ये होती कैसे हैं, ये एक पहली जो है ये एस नॉट कहलाती है, और दूसरी जो है ये फाइव हैं टोटल, एस वन कहलाती है, एस टू है, एस थ्री है, एस फोर है, associated with the changing the oxidation state of the four manganese ion involved in the cluster complex. ये जो हमारा cluster complex है इसमें four manganese जो हैं वो involved हैं, और हर एक state में एक जो है manganese का ion वो अपनी state जो है वो oxidation state जो है उसको change करेगा, और ये एक सीरीज में सारे चारों जो हैं वो एक्ट करते हैं, और इस तरह इसको एस साइकिल भी कहा जाता है। तो ये जो हम बात कर रहे थे कि ये जो स्टेसिस जो मुख्तलि ये जो स्टेट्स हैं ये चेंज होती हैं बाय द कंसेक्यूटिव एब्जॉर्प्शन ऑफ द फोर फोटॉन्स बाय द पी 680, कि जब पी 680 जो है, जैसा अभी हमने इसका जिक्र किया था कि फोटोन को एब्जॉर्ब करता है, इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट होता है, और फिर एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से इसको मिल जाता है, फिर ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, दूसरी फेज़ में फिर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, तीसरी में फिर एक मिल जाता है, चौथी में फिर एक मिल जाता है, तो इस तरह चार जो इलेक्ट्रॉन हैं जब इसको मिल जाते हैं तो फिर ये स्टेट जो है ये दोबारा एस नॉट में आ जाती है। तो ये जो एस नॉट है ये हमारे पास रिड्यूस स्टेट होती है, और जो S4 है ये मोस्ट ऑक्सीडाइज स्टेट है। तो ये अभी इसका साइकिल जब हम बताएंगे तो ये सारा हम वहाँ पे जिक्र करेंगे। एक्यूमुलेटेड एनर्जी इज यूज फॉर द वाटर ऑक्सीडेशन एंड द कैटालिस्ट रिटर्न टू द S0 स्टेट, कि ये जो पूरा क्लस्टर कैटालिस्ट है ये फिर अपनी मुख्तलिफ पहले इस फेज़ में है, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, और फिर यहाँ होगा, और अल्टीमेटली फिर ये दोबारा इस फेज़ में चला जाएगा। तो इस सब को हम बहुत डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए, ये वो साइकिल है जिसका हम जिक्र कर रहे थे, ये कॉक साइकिल कहलाता है। ये है वो एस नॉट फेज़ है। इससे पहले ज़रा यहाँ से देख लेते हैं कि एस नॉट फेज़ है, और इस एस नॉट फेज़ में हमारे पास चार मैगनीज जो हैं वो इस में हैं, तीन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो थ्री है, और एक की जो है वो फोर है। अच्छा, अब होगा क्या कि हर एक मैगनीज ऑयन से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे टायरोसिन को मिलेगा। जो ही ये क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो जाहिर है वहाँ पे ये क्लोरोफिल ए का जो 680 का मॉलिक्यूल है ये वाला, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक्सपेल होते हैं, एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, और इसकी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ये मैगनीज की एस वन जो स्टेट है ये एक इलेक्ट्रॉन एक मैगनीज से ये शिफ्ट होता है टायरोसिन को, और टायरोसिन से ये फिर इस क्लोरोफिल ए 680 को मिल जाता है। अच्छा, अब जब ये S1 फेज़ आ गई है, S1 फेज़ में फिर एक और इलेक्ट्रॉन जो है वो मैगनीज के दूसरे ऑयन से निकलता है और अपनी स्टेट चेंज करता है। ये देखिए, ये एक स्टेट चेंज हो गई, फिर दूसरी हो गई, इस तरह ये इलेक्ट्रॉन निकला, दूसरा निकला, फिर तीसरा निकला, अच्छा, और फिर चौथा निकला। तो चौथे के बारे में हम जिक्र करेंगे। तो ये देखिए, ये तीनों जो हमारे पास थ्री ऑक्सीडेशन फेज़ में थे, ये तीनों के तीनों जो हैं ये सारे अब ऑक्सीडेशन फेज़ में चले गए हैं। तो यहाँ तक जो है ये सारा इस फेज़ में चलता है, और उसके बाद जब S3 से S4 में जाता है तो यहाँ पे ये जो है इसके साथ एक OH ग्रुप जो है वो अटैच होता है, और वहाँ से जो ही ये अटैच होता है यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ये S4 में चला जाता है, और S4 में जो ही जाता है ये फेज़ जाती है तो वाटर जो है वो स्प्लिट होता है। वाटर स्प्लिटिंग के नतीजे में दो वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होते हैं, चार जो है वो प्रोटॉन बनते हैं और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, और जो इलेक्ट्रॉन जो थे वो दोबारा इस
मैगनीज कैटलिस्ट है उसको मिल जाते हैं और ये अपनी फेज जो है उसको दोबारा एस नॉट में ले आता है। इसको ज़रा डिटेल के साथ यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे एस नॉट है, ये एस नॉट फेज जो है, अब होगा क्या, यहाँ पे हमारे पास मैगनीज थ्री ऑक्सीजेशन स्टेट वाले तीन हैं और एक हमारे पास मैगनीज जो है वो फोर स्टेट वाला है। ये टोटल चार मैगनीज आयन हैं जहाँ से रिएक्शन का स्टार्ट होता है। तो अब यहाँ पे जब वो 680 जो PS 680 है, जब वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। तो यहाँ ज़रा चेक कर लेते हैं, यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे लाइट पड़ती है, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो P680 से एक्चुअली यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में चले गए। यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है ये एक्साइटेड स्टेट में गया और इसको फिर ये मैगनीज जो है इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रोवाइड किया, ये इलेक्ट्रॉन जो है, और ये प्रोटॉन यहाँ पे रिलीज होते हैं और ये प्रोटॉन जो है एक्चुअली ये इस तरफ ल्यूमन के अंदर रिलीज होते हैं, प्रोटॉन ल्यूमन के अंदर रिलीज हो जाते हैं और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो 680 को मिल जाता है। अच्छा, अब जो यहाँ पे देखिए कि ये प्रोटॉन जो है वो यहाँ आ गए और एस नॉट से ये जो तीन हमारे पास मैगनीज जो है वो थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में थे। तो अब क्या हुआ है, जब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 680 को पास ऑन हो गया तो फिर ये एस वन में चला गया और एस वन में जाके हमारे पास दो मैगनीज जो हैं अब थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में हैं और दो जो हैं वो फोर ऑक्सीडेशन स्टेट में हैं। बिल्कुल उसी तरह फिर कि यहाँ पे फिर जो 680 पे जब लाइट पड़ती है तो उसी तरह इलेक्ट्रॉन जो हैं ये एक और ये थ्री वाला जो है वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सपेल होता है, ये दोबारा फिर इसको 680 को मिल जाता है। ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन दोबारा 680 को मिल जाएगा और इसकी डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी और ये S1 जो है ये फिर S2 स्टेट में चली जाएगी और S2 में देखिए मैगनीज जो कैटलिस्ट है, ये जो कॉम्प्लेक्स है, क्लस्टर है, उसमें उसकी क्या सूरत हाल है। यहाँ पे एक अब हमारे पास जो है वो थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये देखिए इसके ऊपर तीन लिखा हुआ है, यहाँ पे चार लिखा हुआ है और ये तीन जो इसके आयन हैं अब उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो चार हो गई है। इसमें एक की ऑक्सीडेशन स्टेट तीन है और एक तीन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चार है। दोबारा देख लेते हैं, यहाँ जब हमने स्टार्ट किया था तो एस नॉट से स्टार्ट किया था, एस नॉट में हमारे पास मैगनीज जो तीन मैगनीज थे उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो तीन थी और एक की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चार है। अच्छा, जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो ये तीन वाले जो मैगनीज हैं वो अब दो वाले रह जाएंगे और ये दो वाले चार जो स्टेट वाले हैं वो दो बन जाएंगे। तो अब आप देखिए यहाँ पे तीन ऑक्सीडेशन स्टेट वाले दो हैं और चार वाले जो हैं ये भी दो हैं। ये है अब हमारे पास S1 फेज, S1 स्टेट है। अच्छा, अब S1 स्टेट से जब एक और इलेक्ट्रॉन जो है वो 680 को मिलेगा तो फिर दोबारा मैगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज होगी। अब यहाँ पे एक और जो थ्री वाला था वो फोर में कन्वर्ट हो गया, तो अब हमारे पास फोर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मैगनीज जो हैं वो तीन हो गए हैं और एक हमारे पास जो है वो थ्री वाला हमारे पास मैगनीज है, ये हमारे पास आ गई S2 फेज आ गई। अच्छा, अब क्या होगा कि यहाँ पे अब आप देखते हैं कि यहाँ पे वाटर भी इसके साथ इंटर होता है, जब जो ही वाटर इंटर होता है तो इससे इसकी ब्रेक डाउन होगी और वो OH जो है वो
एच और ओ एच में कन्वर्ट होगा, जो एच होगा वो रिलीज हो गया। एक्चुअली ये ल्यूमन की तरफ रिलीज होना है, इस ये जो प्रोटॉन है ये ल्यूमन की तरफ रिलीज होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन हैं ये दोबारा फिर 680 को मिल गए। तो जो ही ये स्टेट चेंज होती है तो आप देखिए कि यहाँ पे चारों जो मैगानीज हैं, अब ये चारों मैगानीज जो हैं अब चार की स्टेट में चले गए हैं। उसकी ऑक्सीजन स्टेट जो है चारों की, ये देखिए चारों की ऑक्सीजन स्टेट जो है वो चार है, ये फोर ऊपर लिखा हुआ है। ये मैगनीज के चारों आयन जो हैं अब इस स्टेट में हैं। या फिर इसमें थोड़ी सी यहाँ पे बिगुटी भी होती है कि एक जो है वो तीन वाला है और तीन जो है चार वाले हैं, और वो जो चार वाला है उसके साथ एक और हायर स्टेट जो है वो लगी हुई है। तो ये इसको इस अंदाज से भी लिखा जा सकता है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। अच्छा, अब हम पहुँच गए हैं S3 पे पहुँच गए हैं, और S3 पे पहुँचते पहुँचते आप देखिए कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहाँ पे P680 को मिल गए हैं। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से मिला है, एक, ये दो और ये तीन, तीन इलेक्ट्रॉन अब तक जो है वो मैगानीज जो है वो 680 को डिलीवर कर चुका है। तो अगर आप इसको लेबल करना चाहें हम, तो हम देख लेते हैं कि एक ये इलेक्ट्रॉन जो है उसको मिला है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है इसको मिला है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये P680 के पास गया है, और अब जो चौथा है वो यहाँ से ये वाला जो है ये भी 680 के पास जाएगा। अच्छा, कैसे जाएगा? तो ये देखिए अब क्या है, यहाँ पे ये जो S3 फेज है अब इसने कन्वर्ट होना है। अभी हमने कहा कि यहाँ पे वाटर इंटर हुआ और एक जो है वो प्रोटॉन जो है वो ऐसे करके रिलीज हुआ, और S3 से एक इलेक्ट्रॉन उसी तरह फिर रिलीज हुआ। जो ही ये इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, ये जो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, ये जो यहाँ पे चूंकि अब मैक्सिमम इसकी ऑक्सीडेशन फेज जो है वो बन चुकी है, तो इसके साथ ये जो वाटर का OH होता है वो वाटर की ब्रेक डाउन होती है, और OH जो है OH विद नेगेटिव चार्ज जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये उस नेगेटिव चार्ज से यहाँ से एक्सपेल होता है। तो चूंकि बाकी इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से आ गए और एक जो था वो उसने इसके OH के थ्रू यहाँ पे ये है शिफ्ट किया है, और ये सारा जो होगा अब ये कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे कुछ अननोन रिएक्शंस होते हैं और ये एक अनस्टेबल सी फेज होती है, और इस अनस्टेबल फेज में वाटर जो है उसकी ब्रेक डाउन होती है। एक वाटर यहाँ इंटर हो गया था, दूसरा वाटर आके यहाँ इंटर हुआ, और ये जो OH था, यहाँ जो OH बनेगा उनके दरमियान में आपस में रिएक्शन होगा और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है यहाँ पे प्रोड्यूस होगी, और ये सारे के सारे जो मैगनीज होंगे, ये जो यहाँ से वाटर की ब्रेक डाउन हुई है, चार यहाँ से हमने जो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लिए थे, एक इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, ये देखिए एक यहाँ से आया, एक यहाँ से आया, तीन हो गए, और चौथा जो था वो थ्रू OH जो है वो यहाँ से इसने उससे आप समझ लीजिए कि लोन लेके दिया था, वो भी इसको वापस करना है। तो हुआ ये है कि यहाँ पे चार इलेक्ट्रॉन जो हैं वो दोबारा इसको मिल जाएंगे, और ये वही फेज जो है वो दोबारा आ जाएगी। चार इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डिलीवर हो गए, और वो फेज जो थी S4 से निकल के S0 में दोबारा दाखिल हो गए। तो इस तरह ये साइकिल जो है वो चलता रहता है, और हर साइकिल में दो वाटर मॉलिक्यूल जो हैं उनकी ब्रेक डाउन होती है, जिसके नतीजे में चार प्रोटॉन जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, चार इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो दोबारा मैगनीज कॉम्प्लेक्स जो है उसको मिल जाते हैं, और इस तरह साइकिल जो चलता रहता है इसे कॉक साइकिल कहते हैं। तो ये था आज का कॉक साइकिल के बारे में, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें बहुत सारी थेरीज हैं। जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थेरी है वो कॉक की थेरी है, जो हमने यहाँ पे डिस्कस की है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा, आपकी क्यूरी होगी, तो आप पूछ सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।